हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, जहां लास्ट क्लोजिंग डे में हमें अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली थी दलाल स्ट्रीट के दोनों ही इंडेक्सेज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी 50 में, आज वो कहीं ना कहीं कवर होते हुए देखने को मिल रही है। जहां मंडे और आज थर्सडे की गिरावट है, वहीं ट्यूसडे की अकेले दिन की जो प्रॉफिटिविटी थी वो दोनों ने कवर कर लिया, यानी कि जितनी तेजी मंगलवार को हमें देखने को मिली थी वो कवर अब जो है मंडे और आज को मिला के, यानी कि आज भी नेगेटिविटी जो है हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल चुकी है। बात करूंगा जीकेपी प्रिंटिंग की, जिसके अंदर गिरावट थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है, क्योंकि 5 सितंबर को जो है एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है और मेरा अनुमान यही कहता है कि एजीएम तक जो है स्टॉक में गिरावट के चांसेस बने हुए। लगातार 5% के लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो चुके हैं एजीएम के, इस जीकेपी प्रिंटिंग के अंदर एजीएम मीटिंग से पहले जो है लगातार गिरावट चल रही है। तो एजीएम की जो मीटिंग है वो मंडे के दिन होने वाली है, तो क्या कुछ होने वाला है स्टॉक में आगे और कहां तक स्टॉक की गिरावट संभव है, इस बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मेरे दोनों ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए भी और क्वेरीज के लिए भी। तो जीकेपी प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग की बात करूँ तो 122.80 रुपये पर स्टॉक आ चुका है, 4.99% के लोअर सर्किट आज भी लगा हुआ है, 6.45 रुपीज़ की गिरावट, ऑलमोस्ट 6.5 रुपये की गिरावट, लास्ट क्लोजिंग 129.25 रुपये पर थी। 300 रुपये से गिर के स्टॉक देखिए 123 रुपये तक आ चुका है, 5 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 23% की करेक्शन है, बहुत बड़ी करेक्शन है 5 दिन के अंदर भी। और अगर मैं गिरावट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 12 दिन के अंदर स्टॉक 60% तक करेक्ट हो चुका है, 300 रुपये से गिर के 123 रुपये तक आ चुका है। लगातार बीच में 20-20% के लोअर सर्किट लगे, फिर 10% के लगे, और अब लगातार एएसएम लिस्ट में आने की वजह से 5% के लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो चुके हैं। और कंपनी की तरफ से भी अपडेट आ चुका है पहले ही कि प्राइस की जो गिरावट है, यानी कि जो स्टॉक की प्राइस में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो नॉर्मल है, मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रही है, उसमें कोई भी बड़ी चीज शामिल नहीं है। कि अगर कोई सोच रहा है कि मैनिपुलेशन चल रहा है तो उसको लेकर जीकेपी प्रिंटिंग ऑलरेडी एक नोटिस जारी कर चुकी है कि यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जीकेपी प्रिंटिंग में जो है कुछ औपचारिक चीजें जो है वो चल रही हो, ताकि इन्वेस्टर को ये ना लगे कि भाई अंदरूनी जो गेम वो चल रहा हो। तो यहाँ पे उनको लेके जो एक क्लियरली नोटिस इन्होंने जारी कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मार्केट ट्रेंड है नॉर्मल उसको फॉलो कर रहा है, गिरावट हो रही है तो। लेकिन यहाँ पे संभावना ये भी है कि एजीएम की मीटिंग के अंदर अगर बोनस की बात आती है तो बोनस जो है वो किस रेंज पे जाके मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 123 रुपये में स्टॉक आ चुका है, तो अब इस रेंज पे आगे अगर बोनस मिलता है तो वहां पे तो स्टॉक जो है और ज्यादा नीचे आ जाएगा। फिर अगर मैं इसकी 6 महीने के अंतराल की बात करूँ तो 17.5% के रिटर्न्स ऑलरेडी नेगेटिव अब स्टॉक के हो चले हैं। वॉल्यूम 1065, बहुत ही कम वॉल्यूम है, 500 शेयर्स का वॉल्यूम, एक बात सोच के चलिए कि 500 शेयर्स बेचे गए, सिर्फ 500 शेयर्स और खरीदे गए हैं। सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट 7,10,232 का है, ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास का वॉल्यूम के बजाय जो है यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। उम्मीद थी कि इतना वॉल्यूम ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में लगातार तेजी थी और जब लगातार तेजी थी तो इतना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब इतना जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप जहाँ 400 करोड़ का था वहाँ 180 करोड़ का रह चुका है। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 है, बुक वैल्यू पर शेयर 14.84 रुपये की है। अगर मैं इसका RSI लेवल देखूँ तो ऑलमोस्ट जो है 20 पॉइंट से नीचे आ चुका है। और अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूँ और सुपर ट्रेंड की भी बात करूँ तो दोनों ही यहाँ पे नेगेटिव इंडिकेशन इस टाइम हमें देने की कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा फॉल मोमेंट जो है जीकेपी प्रिंटिंग में आ सकता है, क्योंकि सुपर ट्रेंड जो है वो भी नेगेटिव साइन कर रहा है और मूविंग एवरेज जो है वो भी स्टॉक के प्राइस से ऊपर चल रही है, यानी कि वो भी इंडिकेशन दे रही है कि यहां पे गिरावट के चांसेस और ज्यादा जीकेपी प्रिंटिंग में बने हुए हैं। भले ही RSI लेवल जो है अंडर वैल्यूड कंडीशन में आ चुका है, लेकिन सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज जो है वो दोनों ही स्टॉक से ऊपर चल रहे हैं, तो मूविंग एवरेज के और सुपर ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक में और करेक्शन हो भी सकती है अभी। और मेन फैसला तो जो है 5 तारीख को एजीएम की मीटिंग में होने वाला है कि उस दिन एक्चुअल में क्या डिसीजन एजीएम की मीटिंग में निकल के आ रहा है। प्राइस परफॉर्मेंस यहां पे 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ की अब नेगेटिव चली है, और यहां पे 1 साल में 234% और 3 साल में 655% के रिटर्न यहां पर स्टॉक ने दिए भी हैं। जिस हिसाब से रिटर्न्स दिए थे, देखिए मैंने स्टॉक को बहुत पहले रिकमेंड किया था कि स्टॉक को खरीद सकते हैं, आप ले सकते हैं अगर अच्छा स्टॉक लगे तो, आपको मैंने इसके फंडामेंटल्स बताए थे और वहां से लेके शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने इसको बताया था कि होल्ड करके चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो अब गिरावट का सामना भी जरूर करना पड़ेगा और वो चीज इस टाइम आपके सामने है। वॉल्यूम बहुत कम है और लोअर सर्किट में जब तक वॉल्यूम आएगा नहीं स्टॉक का सर्किट खुलेगा नहीं, और वो चीज आप लोगों के सामने है। जहां पे 1 मंथ का एवरेज 5 लाख का था वहां अब वॉल्यूम 1 वीक का 6,000, कल का लास्ट क्लोजिंग का यानी कि ट्यूजडे का वॉल्यूम 5,000
2000 और आज ऑलमोस्ट 1000 तक का वॉल्यूम स्टॉक में ट्रेड हो चुका है। और जब तक वॉल्यूम ट्रेड नहीं होगा यानी कि स्टॉक्स की बाइंग नहीं होगी, क्योंकि सेल करने के लिए तो लोग ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं, अब जब बाइंग वाले नहीं आएंगे तब तक वॉल्यूम आएगा नहीं स्टॉक में और सर्किट खुलेगा नहीं। तो AGM की मीटिंग पे बहुत बड़ी डिपेंडेंसी, अगर कल की डेट में भी लोअर सर्किट लगता है तो कल 2 तारीख है, 3 तारीख और 4 तारीख को मार्केट बंद रहेगी, तो 5 तारीख को AGM की मीटिंग है, उस दिन कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो स्टॉक का सर्किट खुलते हुए भी हमें नजर जरूर आ सकता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।